सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन एक और न्यू वीडियो में, जो कि फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज के दो बड़े और कम टीम के बीच में है हेड टू हेड फाइट्स के ऊपर। फर्स्ट टीम फ्रॉम अर्जेंटीना और लैटिन अमेरिका रीजन से टीम नागोरा, तो दूसरे साइड है वर्ल्ड चैंपियन टीम इवोस फिनिक्स थाईलैंड से। बट क्यों? क्योंकि टीम नागोरा जहां से क्वालिफाई होके वर्ल्ड सीरीज प्लेइंग्स तक आए, पिछले सीजन में भी आए थे माइनॉरिटी स्पोर्ट्स वर्ल्ड सीरीज सैंटोसा में, जिधर उनके तरफ से उतना भी कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था। #11th पोजीशन पे सिमट गए थे। बट इस बार लैटिन अमेरिका रीजन से ये टीम आते ही प्लेन्स के अंदर फर्स्ट मैच पे ही इवोस फोनिक्स को सबसे पहले लॉबी का रास्ता दिखा देते हैं। और वैसे भी अगर तुमने मेरा वो वीडियो देखा है जहाँ पे मैंने दिखाया था प्रॉपर नागोरा टीम के बारे में, तब तो तुम्हारा कोई डाउट नहीं रहने वाला। अब इन दो टीम्स के बीच में फाइट्स तो बिल्कुल वर्ल्ड सीरीज प्लेन्स के पहले मैच से ही शुरू हो गई थी। बाकी दोनों टीम्स के बीच में हेड टू हेड कंपैरिजन करें तो इवोस फोनिक्स जो वर्ल्ड चैंपियन टीम है उनके पास है स्नाइपर एक्सपर्ट इवोस मोसी, जबकि टीम नागोरा के पास है स्नाइपर प्लेयर यकॉल। तो टीम नागोरा के पास है उनके की प्लेयर मैक्सी, उसके अगेंस्ट में इवोस हैं गॉड क्रूज एंड प्रॉपर रसर नागोरा से फैक एंड करी, वर्सेस में इवोस गेट एंड जोइना नेडर हैं ब्रांड फ्रॉम टीम नागोरा। ओके, सो अब आते हैं इन दो टीम्स के बीच में हेड टू हेड फाइट्स के ऊपर, जहां पे इवोस वर्सेस नागोरा चार बार आमने सामने फाइट्स किए, उसमें से दो बार टीम नागोरा एंड दो बार इवोस ने हेड टू हेड फाइट्स जीते। बट एकदम प्रॉपर 4v4 फाइट तो वर्ल्ड सीरीज बैंकॉक प्लेन्स का ये फर्स्ट मैच बरमुडा के अंदर ही हुआ, जहाँ पे दोनों टीम्स पीक यानी इवोस फोनिक्स के घर में आमने सामने आए, कांटे का टक्कर हुआ। नागोरा मैक्सी ट्रिपल किल के साथ इवोस फोनिक्स को #9th मतलब सबसे पहले फोनिक्स को यहाँ पर एलिमिनेशन दे के लॉबी का यहाँ पर रास्ता दिखा देते हैं। स्ट्रॉन्ग है इवोस फिनिक्स का और वेट भी किया जाएगा, सामना हो चुका है जी डाउडी। बिल्कुल सामना हो चुका है, ग्लूवॉल का अच्छा इस्तेमाल है, टूबी का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बराबर में प्लेयर्स तैयार है। वन टैप की जो प्रैक्टिस की जा रही थी गैट हाई की जा रही थी, अब देखते हैं यहाँ पर कितने अच्छा वन टैप कनेक्ट करने में कामयाब होंगे। काफी हेल्थ कम कर दी गई है और एवन 2-4 थ्रो की खुद के ऊपर भी आती है, ये ग्रेनेड फायदा दे सकता है, ग्रेनेड फायदा दे सकता है, लेकिन अपने आप को सेव करते हुए पीछे रश किया जा रहा है। द क्रूज अपने आप को सेव करने में नाकाम हो गए थे एक मौके पर, लेकिन अच्छी ग्लूवॉल फाइनली पीछे अटते हुए नजर आए। चारों प्लेयर्स अब है, एक प्लेयर को नॉक किया जा सकता है, बहुत लो किया जा चुका है, दो प्लेयर्स को इस वक्त नॉक करने में कामयाब हो चुके हैं क्रूज, और ये किल भी कंफर्म किए जाएंगे, लेकिन क्रूज भी नॉक होने के करीब। टीम फ्लैश के एक प्लेयर बीच में आके काम बिगाड़ देते हैं एंड देन 2v2 फाइट हुआ इवोस गेट एंड मोसी वर्सेस नागोरा फैक एंड मैक्सी। डाल सकते अगर ये फ्लैश जाएगी दिक्कत में डालेगी, दो प्लेयर्स ऊपर है, दो प्लेयर्स नीचे है, आगे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी मुसीबत में खुद को ये ले आया, बिकॉज बीओ देखिए जिस पोजीशन पे, इनके नीचे दो प्लेयर्स हैं, दो प्लेयर्स ऊपर होने वाले, जोन जैसे आएगा आगे क्या होगा, वी हैव नो आइडिया तानिया, काफी इंटेंस सिचुएशन है एंड लेट्स फिगर आउट यहाँ पे क्या होगा। हुक गन का यूज किया, वापस से पोजीशन चेंज करी, नगवारा को पता है कि थोड़ा सा अभी सेफ पोजीशन पे जाना, थर्ड पार्टी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ वहाँ पे 1v1 फाइट लेना, एंड दैट मेक्स सेंस। आपको बिल्कुल अकेले बचे हुए तानिया, व्हाट डू थिंक किसका बुआ ये निकलने वाला है? पाकू बिल्कुल अकेले 1v1 सिचुएशन इवोस को एलिमिनेट करेंगे, पाकू का ये बुआ होगा और नगवारा के लिए फाइनली एक बुआ निकल के आया तानिया, एंड दैट व्हाट दिस टीम वांट्स। और कहीं ना कहीं टॉप 4 में अभी और ज्यादा स्ट्रांगली पोजीशन को सिक्योर कर लिया था। हेड टू हेड दो बार फाइट जीती हुई टीम नागोरा एंड इसके अगले मैच ही पुरगड़े के अंदर भी सेम एंड सर्कल में इवोस वर्सेस नागोरा टीम के फाइट हुआ, जहां पर भाई यहां पर नागोरा के साथ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई थी। देखो इवोस वर्सेस नागोरा 4v2 इजी एक फाइट था, लेकिन ऊपर यहाँ पर मैजिक स्क्वाड के एक प्लेयर बचे थे, जिसको देखने के लिए नागोरा के दो प्लेयर्स ब्रैंड एंड यकॉल गए थे एंड बाकी दो प्लेयर्स इवोस के ऊपर अटैक कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर मैजिक स्क्वाड के जो एक प्लेयर बचे थे MGS ग्यू 87 अकेले ही 1v2 कर देते हैं नागोरा के दो प्लेयर्स को एंड ये देख मैक्सी इवोस को छोड़ के गए नीचे से ऊपर, MGS ग्यू 87 को एलिमिनेट किए। बट तब तक गॉडक्रूज ने भी नागोरा के एक प्लेयर को लपेट लिए, जो कि थे
इफेक्ट। फिर क्या, वन वर्सेस टू फाइट, ऊपर से मैक्सी जोन के डैमेज से लो हो रहे थे, बट फिर भी यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का वन टैप दे के डाउन कर देते हैं एमवीपी प्लेयर मोसी को। बट अभी भी सामने है द गोट गॉट क्रूज, पहले तो नेट से मैक्सी को और लो करा क्रूज ने एंड ग्लोअल के ऊपर से चार्ज करके मारने का एक काफी सही डिसीजन, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जीत जाते हैं फाइट इवोस फिनिक्स एंड ये पूरा मैच भी जीत जाते हैं, बूझा हो जाते हैं। मतलब एकदम फुल ऑफ ड्रामा एक्शन माइंड गेम चल रही है यहाँ पर। तो अब वर्ल्ड सीरीज फाइनल गेम नंबर 2 रिफाइनरी में इवोस वर्सेस नागोवारा हुआ एक बार फिर से, जहां पर क्लियरली इवोस ने बाजी मार ली। हालांकि ये प्रॉपर 4v4 फाइट तो नहीं था और बीच में मैजिक स्क्वाड भी आ गई और इन तीनों टीम्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया फाइट देखने को मिला। तो आओ देखते हैं। Joining the fray, Magic Squad with a lot of time already wasted on Nagoara. What a name, but God Cruz does not get the take. Look at 1 second. ये क्या है? There's a perimeter and he's running out of time. Jonah, Max 7 manages to get a knock, but the rest of the EVOS squad as well joining the fray. Magic Squad with a lot of time already wasted on Nagoara. What a name, but God Cruz does not get the takedown. AC80, close quarters combat. Brad has the Max 7. What? How did he get taken down? Moshi attacks from the back, saving his brother. This is a masterclass by Evo's Phoenix. They sent God Cruz to rush, and they also had an ice grenade to make sure that there's no place for Nagoara to hide. And this is going to be Evo's Phoenix eating up so much space. Genhai is already on Refinery and is about to go into a 1v1 with Italo. Maybe a 2v1. Genhai getting one down. Giyu from the window jumps out, tries to provide backup. Has that glue wall, but Genhai is doing so much work for his team. Jonah gets tagged. Finally goes down. Pops whips out the grenade launcher, and that's going to be dealing a lot of damage that the rest of EVOS Phoenix cannot deal with. Mochi, final survivor, has the grappling hook in hand. He can get away. Does he get aggressive? The answer is no. He wants to play the game of survival, and the further away he runs, the higher the...